नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आए थे कि इरडा में आखिर हो क्या रहा है, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 6 फरवरी की तारीख अच्छे से याद होगी, जो भी निवेशक इससे जुड़े हुए, 215 का हाई लगाया था। अब तक का सबसे उच्चतम स्तर को इस स्टॉक ने छुआ था और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो ये स्टॉक 22% तक टूट गया है और इस गिरावट के बाद ही लगातार ये संभावना बनी हुई है, जो कि निवेशकों का मानना है कि क्या ये सवाल है उनके कि क्या इसमें गिरावट और गहराएगी या फिर ये जो स्टॉक है वापस रीबाउंस करेगा। तो इसी स्थितियों को समझने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सुनिएगा, हमने कई मार्केट एक्सपर्ट से बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी कि उनकी क्या राय है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। आपको इसका बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 6 फरवरी 215 इसका हाई था और जिसका इश्यू प्राइस था वो 32 रुपये था। उसके अगर उसके हिसाब से इसका कंपेरिजन करें तो उस समय जब 215 पे पहुंचा था तो निवेशकों को करीब करीब 572% का रिटर्न स्टॉक ने दिया था। लेकिन अब गिरावट है तो मौजूदा वक्त में ये जो 572% का रिटर्न है वो घटकर 406% पर आ गया है। यानी अभी भी ऐसा नहीं है कि निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो, अभी भी वो मुनाफे में अगर 32 के इशू प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तो। हालांकि बहुत सारे लेवल्स पे लोगों ने खरीदारी करी होगी, लेकिन अभी भी अगर जो यहाँ पर जिस लेवल पर ये स्टॉक है उससे नीचे ही खरीदा तो मुनाफे में बहुत सारे निवेशक रहे होंगे। अब यहाँ पर स्थिति समझने की जरूरत है कि भाई आखिर स्टॉक में हुआ क्या है और क्या स्थिति आगे रह सकती है। तो इसके लिए हमने बात करी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर के, शीजू जी। तो उनका कहना है कि जो स्टॉक है उसमें जबरदस्त बुल रन देखने को मिला और उसने 415 के जोन को छुआ था, लेकिन अब इसमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है जिसकी वजह से स्टॉक में ड्रास्टिकली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि जैसे ये RSI जो लेवल इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ओवर हीटेड जोन पे पहुंच गया था। जब ये उस वहां पे 200 के लेवल को क्रॉस किया था तो बहुत जबरदस्त ओवरबॉट जोन पे स्टॉक पहुंच गया था। अब वो कूल्ड ऑफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब वो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिख रही है। और ये जो है अभी मौजूदा वक्त में जो RSI है इसका 52.7 है, यानी कि जो सिग्नल करता है कि ना ये ज्यादा महंगा है और ना ये ज्यादा सस्ता है, ना ओवरबॉट नॉर ओवरबॉट और नॉर ओवरसोल्ड जोन में है ये अभी मौजूदा वक्त में। अब उनका ये कहना है कि जो नियर जो टर्म क्रूशियल टर्म्स है, जो सपोर्ट के हिसाब से बात किया तो 156 से 144 है और इन लेवल्स पे वापस री एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत जी से। तो उन्होंने कहा कि जो स्टॉक है वो बेरिश मूड में दिख रहा है, यानी कि गिरावट का दौर उसका मूड माहौल जो है वो यही दिख रहा है यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी इसका डेली क्लोज का जो सपोर्ट है 148 है और हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 130 के लेवल पे भी जाता हुआ दिखे, यानी कि इसमें और गिरावट आ सकती है। और इसके साथ ही हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी इसमें आपको इस पर बेचने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों के पास ये स्टॉक है अगर ये 130 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर 130 पे आता है तो उस लेवल पे खरीदारी भी वापस की जा सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में पूरी पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इसमें वापस तेजी ये पकड़े। तो ये स्थिति साफ हो गई। इसके साथ ही मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ जो कि इरडा की तरफ से आई है, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से आई है। इरडा प्लान कर रहा है अपनी एक सब्सिडी के नई सब्सिडी के जरिए ताकि वो फाइनेंस बिजनेस को और फोकस कर सके। तो कहाँ पे फोकस कर सके, देखिए हमारे इंटरव्यू में भी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट है उन पर उनका फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं। रिटेल जो सेगमेंट है उसके लिए एक अलग सब्सिडी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर काम होता हो शुरू हो गया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रूफ टॉप सरकार जो लेके आई, रूफ टॉप इंस्टॉलेशन को लेकर कई स्कीम्स लेके आई, तो सीधा वो डायरेक्ट जो है रिटेल सेगमेंट में रिटेल कंज्यूमर्स को सीधा लोन प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, अगर उसमें किसी सेक्टर किसी लोगों को जरूरत है या कंज्यूमर्स को जरूरत है तो वहाँ पर भी लोन्स की स्थिति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से देखिए कि ये बहुत कंपनी एक एग्रेसिव मोड पे काम कर रही है यहाँ पर। जिस तरीके से इंटरव्यू में बात हुई थी मेरे साथ, तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग इसको जो पर्सनल कंज्यूमर का जो सेगमेंट है, रिटेल सेगमेंट है, हम लोग उसके लिए एक सब्सिडी बनाएंगे और उस पर काम शुरू होता हुआ दिख गया है और कंपनी ने इस पर और चीज़ें आगे बढ़ने को अब तैयार है। तो हमारी तरफ से एक और मैं आपको राय दे दूँ कि हमारी तरफ से आपको किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है, हमारा काम है आपको ज्ञान देना, जो भी खबरें आती हैं न्यूज़ से अवगत कराना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।